हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शिवेंद्र तिवारी और मैं हूँ एक BMS स्कॉलर। तो आइए आज जानते हैं MBBS और BMS दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जब भी नीट दिया जाता है, नीट के बाद जो है MBBS या BMS इनका जो होता है काउंसलिंग होता है, उसके जरिए फिर हमें कॉलेज सीट अलॉट होती है। तो जिन बच्चों के रैंक अच्छे होते हैं उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है, और जिनके थोड़े से रैंक नीचे रह जाते हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस, या फिर बहुत से बच्चे जो हैं वो फॉरेन, मतलब कि अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ जाके MBBS करते हैं। तो आइए जानते हैं कि MBBS और BMS में मेन डिफरेंस क्या है, जैसे कि क्या फ़ी लगती है दोनों की, दोनों में स्टाइपेंड क्या मिलता है, जो पढ़ाया जाता है वो कितने सालों का होता है, इंटर्न कितने साल का होता है, और साथ ही जो पढ़ाया जाता है उसमें मॉडर्न इंक्लूड होता है कि नहीं BMS में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज इनका आंसर हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी नीट दिया जाता है, नीट में जो है, जैसे कि 2024 की बात करें तो 25 से 27 लाख बच्चों ने इस साल जो है नीट का पेपर दिया, लेकिन उसमें से जो है 10 to 20,000 ही सीट्स जो थी वो सीट्स ही अवेलेबल थी, और जो है बाकी बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया। तो इसकी फ़ीस क्या होती है गवर्नमेंट कॉलेज में और जो हमारा प्राइवेट कॉलेज है उसमें? तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो MBBS में जो है 30,000 to 50,000 जो फीस होती है वो पर ईयर की गवर्नमेंट कॉलेज में होती है MBBS के, जबकि BMS में अगर आप देखें तो 20,000 to 40,000 BMS कॉलेज की फ़ीस होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो जो MBBS के कॉलेजेस हैं वो 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम चार्ज करते हैं पर ईयर फीस, जबकि अगर आप BMS की बात करें तो BMS में 2 lakh to 4 lakh रुपीस इनकी चार्जेस होते हैं वन ईयर के। इसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों में कितने साल का डिफरेंस होता है, तो देखिए दोनों ही 4.5 साल के कोर्स होते हैं और 1 साल का इंटर्न होता है। इंटर्न जब होता है तो अगर आप मेडिकल कॉलेज, अगर आपका गवर्नमेंट है तो उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस से बच्चे होते हैं उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्टाइपेंड अभी कितना मिल रहा है? तो देखिए स्टाइपेंड जो है वो इंटर्न के माध्यम से हर मंथली जो होता है वो 15,900 का MBBS में भी मिल रहा है और BMS में भी मिल रहा है। दोनों को एग्जैक्टली सेम मिलता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो सेम मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि MBBS और BMS में जब हम MD करते हैं तो उसकी फीसेस क्या होती हैं। तो देखिए जो फीस होती है अगर MD कर रहे हैं या MS कर रहे हैं PG लेवल पे जो करते हैं, तो अगर MBBS से कर रहे हैं तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पेपर दे करके, अगर आप AIPGET दे करके अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 2 to 3 crore रुपीस लग जाते हैं एक PG स्टूडेंट को। लेकिन अगर आप BMS की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए जो है लग जाते हैं PG करने के लिए। आप बात करें कि दोनों में ही जो MBBS है और जो हमारा BMS है दोनों में ही पढ़ाया क्या जाता है, तो देखिए या फिर किस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है, तो जो MBBS होता है उसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे वर्क बेस्ड किया जाता है, वर्क किया जाता है और उसी पे रिसर्च होती है, उसी के माध्यम से वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन जो आयुर्वेदा है यहाँ पे एशियंट आयुर्वेदा जो है, इथिक्स जो लिखे गए हैं, संहितास जो हैं उनके माध्यम से उन पे बेस्ड जो है हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो BMS है ऐसा लोगों का मानना है कि मॉडर्न यहाँ पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, तो जरूर जी हाँ, यहाँ पे मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है, मॉडर्न इसमें इंक्लूड होता है। फर्स्ट ईयर में ही ये मॉडर्न हमको पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो देखिए अगर आप MBBS कर लेते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली निकलने के बाद 50 to 60,000 रुपीज़ मार्केट में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप BMS करके यहाँ से निकलते हैं तो आपको कम से कम 20 to 40,000 रुपीज़ की सैलरी मिल जाती है। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो आज आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो ग्लोबल लेवल पे डिमांडेड है। अगर आप देखें कि अभी जो है आयुर्वेद के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें लिखा हुआ आता है कि नेचुरली फॉर्म्ड या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर ऐसे जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आयुर्वेदा का अभी जो स्कोप है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और आने वाले टाइम पे ये और भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो ज़रूर BMS ले लें
और अपना जो है इसमें ही अगर आप किसी भी पैथी में जाते हैं तो उसमें आपको अच्छा वर्क करना है अपने काम पे, तभी आपका नाम होगा, और नाम होगा तो फिर सब कुछ मिलेगा। थैंक यू।